क्या नॉनवेज खाने से या कोई पर्टिकुलर मसाले खाने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप कोरोना से बच सकते हैं? तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं कोरमे बिरयानी की बात करूं, और आपको मैं इम्यूनिटी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि इम्यूनिटी एक जो बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता है जो बीमारी से लड़ने की, वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है, वो मल्टीपल चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। अब इसमें वो डिपेंड करती है आपके ओवरऑल हेल्थ पे, आपके जेनेटिक्स पे, आपके जो न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, आपके मेंटल स्टेटस पे। इम्यूनिटी को लेके मैं और वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है इननेट और एक होती है एक्वायर्ड। इननेट इम्यूनिटी का मतलब होता है जिस इम्यूनिटी को लेके आप पैदा हुए होते हैं, जो आपके जीन्स में होती है, जो आपके माँ बाप से, आपके पेरेंट्स से आपको मिली होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है इसका, जेनेटिक्स यानी कि इम्यूनिटी का, जो डिसाइड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी होगी। ठीक है, तो किसी की अगर आपकी जो इम्यूनिटी, जो इननेट इम्यूनिटी है, जो पैदाइश के टाइम पे वो स्ट्रांग है, तो चांसेस ये रहते हैं कि वो आपके आगे चल के आगे तक स्ट्रांग रहेगी, अंटिल अदरवाइज आपको कोई बीमारी न लग जाए। न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो कि मैं और वीडियो में बता चुका हूँ, वो चीज़ें आपकी, कुछ फैक्टर्स आपके ऊपर नीचे, आपकी डाइट वगैरह इसको अफेक्ट कर सकते हैं, पर जो मेजर रोल होता है वो होता है आपका इननेट इम्यूनिटी, जो जीन्स में आपकी आई है। जो दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि जो इम्यूनिटी आपको बाद में मिलती है, या तो वो बीमारी होने के बाद मिलती है, जैसे आपको एक बार कोविड हो गया, फिर आपको उसकी एंटीबॉडीज हो गई, तो ये हो गए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर आपने कोई वैक्सीनेशन लगवा लिया, जैसे कि आपको कोविड के वैक्सीनेशन चल ही रहा है, तो आपने वो वैक्सीन ले लिया, उसके बाद जो एंटीबॉडीज शरीर में बनेंगी या इम्यूनिटी बनेगी, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये शॉर्ट टर्म की होती है वैसे तो एक्वायर्ड वाली, पर बीच बीच में इसलिए इसको बूस्टर दिए जाते हैं। तो ये दो टाइप की इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि कुछ फैक्टर्स की। अब जैसे कि आपने देखा होगा स्लम एरिया में खासकर, या जो पुअर पीपल हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। अब उसमें यह होता है कि एक तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है, बीमारियों का जो एक्सपोजर होता है वो ऐसी सराउंडिंग्स में, अनहाइजीनिक कंडीशन में रह रहे होते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस के बीच में रह रहे होते हैं, जहाँ उनको आए दिन इसका इन्फेक्शन लगता रहता है। ठीक है, फिर उनका आता है नेग्लिजेंस या पावर्टी, यानी कि उनके पास ना पैसे होते ना अवेयरनेस होती कि इसका इलाज कराए, उन्हें लगता है नॉर्मल सी बीमारी है, खुद ही ठीक हो जाएगी। फिर सारा लोड उनकी बॉडी पे पड़ता है, ना वो एंटीबायोटिक्स ले रहे होते, ना स्टेरॉयड ले रहे होते, ना कोई ऐसे एंटीवायरल मेडिसिन ले रहे होते, और उनकी बॉडी रिकवर उसको कर रही होती है जो भी उनको बीमारी लगती है। तो इस कारण से उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो गया, तो एंटीबॉडीज ज़्यादा बन गई, और एंटीबॉडीज जब ज़्यादा बन गई तो इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, और वो अननेसेसरी मेडिसिन नहीं खाते, उनका शरीर इतना स्ट्रांग बन जाता है शुरू से ही, तो उन्होंने कभी मेडिसिन वगैरह का यूज़ किया ही नहीं होता। इसी कारण से उस पर्टिकुलर एरिया की एक हर्ड इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं ना कि आप इंडिया में भी अगर 67% इसकी इम्यूनिटी हो जाए तो कोरोना खत्म हो जाएगा, तो उस लोकल एरिया में जब इतना ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं, कंजेस्टेड एरिया में रह रहे हैं, तो फिर वहाँ इन्फेक्शन जो भी होता है तो सबको ही होता है, और फिर वो सभी उससे रिकवर कर जाते हैं, तो वहाँ की हर्ड इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, तो उस एरिया में आपको फिर वो वायरस या बैक्टीरिया नहीं मिलता है। ठीक है, और आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर खाने से या कोई डिश से ऐसा हो रहा है जिस कारण से उनको इन्फेक्शन नहीं लग रहा, तो सच्चाई तो ये होती है कि इन्फेक्शन सबको लग रहा होता है, पर यहाँ आपकी नेट इम्यूनिटी या फिर आपकी जो अक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग सिचुएशंस, जो कंडीशन आपके आसपास की हैं, वो उस वायरस से लड़ लेती हैं, या हर्ड इम्यूनिटी बना लेती हैं, या आपकी आपकी अंदर की इम्यूनिटी को थोड़ा सा स्ट्रांग कर देती है, जिसके कारण आप उससे लड़ पाते हैं, और आपको वो बीमारी आप पूरी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा पाती है, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। तो यही एक सबसे बड़ा फैक्टर है ना, इसमें बिरयानी कोरमा नॉन वेज का कोई सवाल नहीं होता। ये होता है कि आपका कहाँ, आप कैसे एटमोसफेयर में, कैसे एनवायरमेंट में, किन कंडीशंस में आप रह रहे हैं, वो डिसाइड करता है, या आप कितने टाइम से वहाँ रह रहे हैं, या आपका कितना एक्सपोजर रहा है पास में, या आपको इननेट इम्यूनिटी, आपके जीन्स में क्या आपको इम्यूनिटी मिली है, वो टोटल मिला के ओवरऑल डिसाइड करता है कि आप उस बीमारी से कितना लड़ पाएंगे, उससे कितने कॉम्प्लिकेशन उस बीमारी से आपको होंगी या नहीं होंगी। जय हिंद।